Once more! सो गाइस आज की शुरू पे हम सीखने वाले कुछ इस टाइप का इंट्रो क्रिएट करना और ओनली काइंड मास्टर की मदद से हम कुछ इस टाइप का इंट्रो क्रिएट करने वाले। तो आप इस तरीके से तो सेम अपने गेमिंग यूट्यूब चैनल के लिए क्रिएट करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर काइंड मास्टर ओपन कर देना है, उसके बाद यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर आपको टैप कर देना है। इन्हें से यूट्यूब का रेजोल्यूशन 16:9 रेजोल्यूशन में या से क्रिएट वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, तो यहाँ से मीडिया वाले ऑप्शन पर टैप करके इमेज असेट वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। यहाँ से ब्लैक कलर का बैकग्राउंड यहाँ पर ऐड कर देना है और कर देने के बाद इसकी ड्यूरेशन 4 सेकंड दे, तो उसके लिए आपको क्या करना है उस पर टैप करके ऐसे स्ट्रेच करके अराउंड आपको 8 सेकंड तक इस तरीके से आपको इंक्रीज कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से स्टार्टिंग पोजीशन पर जाना है 0.2 सेकंड के बाद। उसके बाद लेयर में जाके मीडिया में और अपने यूट्यूब चैनल के लोगों को यहाँ पर ऐड कर देना है। अगर आपके पास अच्छा खासा लोगो नहीं है तो आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप सीख सकते हो लोगो क्रिएट करना। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए इस लोगो को यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद स्ट्रेच करके एंड तक उसे लेके आना है, फिर से स्टार्टिंग पोजीशन पर जाके लेयर पर जाके मीडिया में और उसके बाद हमें इस वाली पीएनजी को यहाँ पर ऐड कर देना है। और जो भी यहाँ पर मैं मटेरियल यूज़ करने वाला हूँ उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो डाउनलोड कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर एक शाड़ू की पीएनजी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से फुल स्क्रीन आपको कर देना है और नीचे की साइड इस तरीके से लेके आने के बाद या से क्यू वाले ऑप्शन पर टैप करके थोड़ा सा आपको 3 सेकंड के बाद इस तरीके से आपको टैप कर देना है, जाना है आपको 3 सेकंड के बाद। हाँ, और जाने के बाद यहाँ से एक प्लस की ऐड कर देने और ऊपर के साइड इस तरीके से यहाँ पर आपको स्क्रॉल कर देना है, स्ट्रेच कर देना है। तो देख लो कुछ इस टाइप का आपको एक इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो एक कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, इस वाले आइकन पर आपको टैप करके इस वीडियो को यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर सेव कर देना है। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले सेव करने देते हैं इस वीडियो को। तो ये कंप्लीट करने के बाद यहाँ से बैक आना है और उसके बाद हमें क्या करना है, जो जो हमने ऐड किया था बेसिकली यहाँ पर जो यूट्यूब चैनल का लोगो उसे डिलीट कर देना है और इस शॉर्ट वाली पिन जो को यहाँ पर आपको डिलीट कर देना है। उसके बाद स्टार्टिंग पोजीशन पर जाके लेयर वाले ऑप्शन पर आपको टैप करके मीडिया वाले ऑप्शन पर जाना है, यहाँ से इस वाली फुटेज को यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद यहाँ से नीचे के साइड आना है और नीचे का ऑप्शन मिलेगा स्प्लिट स्क्रीन का, तो उस वाले ऑप्शन पर जाके इसे फुल स्क्रीन यहाँ पर कर देना है। और नीचे के साइड आना है और नीचे का ऑप्शन मिलेगा ब्लेडिंग का, उस वाले ऑप्शन पर जाके ऐसे स्क्रीन ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ से बैक आना है और उसके बाद हमें क्या करना है, कुछ इस टाइप से थोड़ा सा ही आगे जाना है 1 सेकंड के आसपास। हाँ, 1 सेकंड के आसपास कुछ इस तरीके से जाना है और जाने के बाद आपको लेयर वाले ऑप्शन पर टैप करके मीडिया वाले ऑप्शन पर जाना है। तो कुछ इतने सेकंड के आने के बाद लेयर वाले ऑप्शन पर देने से मीडिया में और जो अभी हमने काइंड मास्टर में सेव किया था उस वाले जो हमने फुटेज को यहाँ पर ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद यहाँ से ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर आपको जाना है नीचे के साइड और उसके बाद यहाँ से स्क्रीन वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। और करने के बाद यहाँ से मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से इफेक्ट आप देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको साइज इंक्रीज करके इस तरीके से यहाँ पर आप मीडियम में इस तरीके से सेट कर सकते हो, थोड़ा सा नीचे की पोजीशन में इस तरीके से यहाँ पर आपको सेट कर देना है। तो चलो एक बार फाइनली हम देख लेते हैं किस तरीके से ये क्रिएट हो चुका है। तो देख सकते हो कितना बढ़िया है हमारा इंट्रो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। उसके बाद इस वाले आइकन पर आपको टैप करके सेव एज वीडियो यहाँ पर कर सकते हो। सो आई होप आपकी वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, यूजर नेम है IAMKKSTYLE, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको गेमिंग एनिमेटेड रिलेटेड ओवरली से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, वो मैं प्रॉब्लम यहाँ पर सोल्व कर दूंगा। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय।